ओके माय डियर फ्रेंड्स, ओके माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास सिक्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। टुडे वी हैव गोइंग टू डिस्कशन अबाउट द टू इम्पोर्टेंट थिंग। इससे पहले हमने स्नेल और कॉकरोच के बारे में जाना था कि उसमें बॉडी मूवमेंट्स किस तरीके से होते हैं, स्केलेटन का क्या लेना देना है, ये सारी चीज़ें। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे एंड टुडे वी हैव गोइंग टू डिस्कस वर्ड बेटा वर्ड एंड सेकेंड वन इज वॉट फेस, हाउ दोज आर मूवमेंट taking place and last one heading take away we have take snake। snake में movement किस तरीके से होता है, skeleton का क्या role है, muscles के क्या role है इनके movement में, इन चीज़ों को जानेंगे। तो चलिए बिना इंतजार ना किए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं birds के बारे में। bird में किस तरीके से उनकी structure होती है, वो क्यों walk कर पाते हैं, वो क्यों fly कर पाते हैं, वो क्यों some birds ऐसे क्यों होते हैं जो swim कर पाते हैं, बाकी some birds does not, why? और व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्केलेटन, जो इनमें स्केलेटन पाया जाता है, मसल्स रहते हैं, वह किस तरीके से फंक्शन करते हैं कि उनको फ्लाई के लिए, वॉकिंग के लिए और स्विमिंग के लिए सूटेबल बनाते हैं। तो चलिए इन्हीं कैरेक्टर को देखते हैं। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, जो बर्ड्स होते हैं वह एयर में फ्लाई कर सकते हैं। वॉक इन द ग्राउंड, ग्राउंड पर चल सकते हैं। बर्ड्स लाइक डक एंड स्वान्स, दो बर्ड्स के बारे में जिक्र किया गया है बेटा, डक्स एंड स्वान, इन दोनों को आपने देखा होगा। Also swim in the water, तो मैंने वही चीज़ जिक्र की आपके सामने कि ये वॉक कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं और यहाँ तक इवन स्विम भी कर सकते हैं। लेकिन स्विम करने के, स्विमिंग करने की जो कैपेबिलिटी है या सुटेबल है, उनके लिए कुछ बर्ड ही हैं। उसमें ऐसा हम बिल्कुल नहीं कहेंगे सारे बर्ड्स स्विम कर सकते हैं, नो, सम बर्ड्स लाइक अ डक एंड स्वैंस। बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज बोन आर हॉलो एंड लाइट। बर्ड्स क्यों फ्लाई कर पाते हैं, उसकी क्या वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो बर्ड्स के अंदर जो बोन्स प्रेजेंट रहते हैं वह होलो रहते हैं, उनके अंदर छेद रहती है, हवा भरी रहती है, और लाइट मतलब कम वजन वाले होते हैं जो ईजिली जब वो फ्लाई करते हैं तब ईजिली वो उठ सकें। तो इनके जो इनके क्या है बेटा, बोन्स है वह होलो रहते हैं, छेद वाले रहते हैं, अंदर कुछ छेद रहता है और लाइट होते हैं, कम वजनदार होते हैं, दैट्स द रीज़न ये फ्लाई कर पाते हैं। और क्या है, द बोन ऑफ हिंड लिम आर टाइपली की फॉर वॉकिंग, जो बोन रहते हैं हिंड लिम का, हिंड लिम मीन्स सच ऐसा अपन लोगों की, आप इसको हैंड को मान लीजिए फोर लिम और हमारे लेग्स को मान लीजिए हिंड लिम, सेम काइंड ऑफ द बर्ड्स, बर्ड्स में भी इसी तरीके से होता है, जो उनके हिंड लिम है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, लेग्स में, जो किस काम के लिए आते हैं, क्या काम करते हैं लेग्स में कन्वर्ट होने के बाद, वॉकिंग के लिए, वॉकिंग और पर्चिंग के लिए, क्या होते हैं, पकड़ने के लिए कुछ चीज़ को और वॉकिंग यानी चलने के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं बर्ड के द्वारा इन लेग्स का, फोर हिंड लिम्स, द बॉनी पार्ट ऑफ द फोर लिम, किसके बारे में बोल रहा है, बॉनी पार्ट मतलब छोटे पार्ट ऑफ फोर लिम, फोर लिम सच एज यदि हम अपनी बात करें, ह्यूमन बींग की बात करें तो हमारे हाथ, सेम काइंड ऑफ द वॉट वर्ड, उनके जो फोर लिम रहते हैं वह बॉनी रहे, फोर लिम आर मॉडिफाई एज अ विंग्स, वो किस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं बेटा, विंग्स में, पंखों में कन्वर्ट हो रहते हैं। और पंख क्यों, द सोल्जर्स बोन आर स्ट्रॉन्ग, जो बर्ड्स रहते हैं उनके सोल्जर्स बोन क्या रहते हैं, स्ट्रॉन्ग, दे आर द ब्रीचेट बोन, द ब्रीचेट बोन आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट, क्या बोल रहा है, जो बीच वाला बोन्स रहते हैं, बीच ये है ब्रीस्ट बोन रहते हैं, वह क्या करते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट के टाइम पे मसल्स को पकड़ के रखें, विच आर यूज टू मूव, जो किस लिए यूज होते हैं, किस लिए यूज होते हैं बेटा, ब्रीस्ट बोन, ये बोन को पकड़ के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, जिसका यूज किया जाता है, विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन, इसका यूज क्या है, जो बर्ड्स रहते हैं उनके जो विंग्स हैं उनको अप डाउन करने में हेल्प करता है, कौन कौन सा बोन, ब्रीस्ट बोन, ब्रीस्ट बोन उनके पंख को, विंग्स को अप एंड डाउन करने में हेल्प करता है। तो ये हमने पढ़ा बर्ड्स के बारे में। लेट्स लुक फिश, फिश को भी आपने देखा होगा, जब कभी आप नदी, तालाब या फिर झरने में जाते हैं, नहाने के लिए जाते हैं, तब ऐसे टाइम पे आपने फिश देखी होंगी। तो फिश कैसे पुश कर पाता है अपने आप को, स्विम कर पाता है, इसके बारे में जानना है, ठीक है। तो चलिए, द हेड एंड टेल ऑफ फिश स्मॉलर देन द मिडिल पार्ट, क्या बोल रहा है, फिश कैसा होता है ज़्यादातर बेटा,
दिस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसकी फर्स्ट एंड लास्ट वाला तो सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं, लेकिन बीच वाला पार्ट क्या है, डिफरेंस है, किन से, अप टू वर्ड से, आगे वाले साइड से और बैक साइड से, दोनों से डिफरेंस है, क्योंकि ये मोटा वाला पार्ट होता है और अगल बगल यानी कि आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा क्या है, सिमिलर काइंड के होते हैं। द बॉडी टॉप्स एट बोथ एंड द बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। क्या बोल रहा है, द बॉडी टॉप जो बॉडी के ऊपरी हिस्से से एट बोथ एंड एट बोथ एंड द बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन कैसे होता है, यहां से यदि ये मैं छोटा सा मैं बना दे रहा हूं, यहां देख पा रहे होंगे, ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि स्ट्रीमलाइन किसे बोलते हैं। आई होप कि आपको स्ट्रीमलाइन समझ में आता होगा और क्या है। ओके, द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट। ये इनका शेप ऐसा होता है, फिश का शेप ऐसा डिजाइन होता है जिससे जो वाटर है वह ईजिली क्या हो सके, फ्लो हो सके, ईजिली उसके ऊपर से फ्लो हो सके। इट ईजिली अलाउड टू मूव, इट ईजिली अलाउड टू मूव, कौन उनका शेप क्या करता है, फिश का शेप जो है ईजिली होता है, से बहुत आसान होता है, जो अलाउ करता है और परमिट देता है टू मूव इन वाटर, ताकि वह वाटर के अंदर इंटर ऑफ द वाटर मूव कर सकें। द स्केलेटन कवर्ड विद द स्ट्रॉन्ग मसल्स, जो मच्छियों के जो फिशेस के स्केलेटन होते हैं वह स्ट्रॉन्ग मसल से कवर्ड रहते हैं, स्ट्रॉन्ग मसल से कवर्ड रहते हैं ड्यूरिंग स्विमिंग। देखिए जब वो मूव करते हैं, स्विमिंग करते हैं, ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक इन द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉनी कॉर्प लाइन वन टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विम्स टूवर्ड्स द अपोजिट साइड। ये आगे वाला हिस्सा फिश का और पीछे वाला हिस्सा, दोनों हिस्से जो है फिश को सुटेबल बनाते हैं ताकि वह मूव कर सके, एक आगे वाले साइड को वन साइड और दूसरा अपोजिट साइड भी सुटेबल बनाते हैं। दिस मेक्स अ जार्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड, ये एक जार्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है दोनों पार्ट और फिश को आगे मूव टू वर्ड्स के लिए प्रोमोट करता है। दैट इज द रीजन व्हाट फिश इस तरीके से मूव कर पाता है। तो आज हमने किसके बारे में, बर्ड्स के बारे में और दूसरा फिश के बॉडी मूवमेंट के बारे में और उनके स्केलेटन और मसल्स किस तरीके से काम आते हैं, हाउ बॉडी स्केलेटन्स एंड मसल्स कैन हेल्प टू मूव व्हाट बर्ड्स एंड फिश। नाउ लेट्स लुक अबाउट द स्नेक। ओके माय डियर स्टूडेंट, आप देख पा रहे होंगे स्नेक, स्नेक किस तरीके से मूव करता है, प्लीज पहले वीडियो देखिए, देन उसके बाद डिस्कशन करते हैं। स्नेक्स हैव अ लॉन्ग बैकबोन, स्नेक के पास एक लंबी बैकबोन रहती है, जैसे अपन लोगों की बैकबोन है, बैक में यहाँ से फ्रॉम नेक टू नेक से लेकर के पेलोविक बोन्स तक जो बैकबोन है पीछे वाले हिस्सा, सेम काइंड ऑफ द स्नेक्स हैव ऑल्सो बैकबोन प्रेजेंट रहता है। दे हैव मैनी थिन मसल्स विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर, उनके जो स्नेक है उसके पास बहुत ही थिन लेयर, बहुत ही पतली थिन मसल्स रहते हैं जो कनेक्टेड करके रखते हैं हर एक कनेक्ट इंटर आर विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ये हर एक जो बैकबोन के जो हिस्से हैं उनको कनेक्ट करके रखता है। आल्सो इंटर कनेक्टेड द बैकबोन रिब एंड स्किन, साथ ही जो बैकबोन है वह इंटर कनेक्टेड करके रखता है किसको, रिब को और तीसरा क्या है स्किन को, किसमें, स्नेक में। रिब क्या होते हैं बेटा, आपको आपने अपनी बॉडी से ले लीजिए या फ्रॉम आप नेक से लेकर के यहाँ तक पेट के जस्ट बेली के जस्ट ऊपर तक टच करके देखिए, ये कुछ 12 हिस्से होते हैं जो 12 छोटे छोटे बोन होते हैं जिसको रिब बोला जाता है। एक तरीके से ये आपके लंग्स को आपके हार्ट को सेफ करने का काम करता है। सेम काइंड्स ऑफ द रिब आल्सो प्रेजेंट ऑन द स्नेक, सो इट्स इंटर कनेक्टेड टू द बैकबोन, बैकबोन से इंटर कनेक्टेड रहते हैं, रिब और स्किन भी साथ में जुड़ रहता है। द स्नेक बॉनी कर्व इंटू मैनी लूप्स, जो स्नेक है वह छोटे छोटे लूप्स यानी कि बॉनी कर्व से मिलकर के बने होते हैं। ईच ग्रुप्स गिव इट फॉरवर्ड पुश बाई प्रेसिंग अगेंस्ट, क्या बोल रहा है कि जो हर एक लूप्स है वह स्नेक को आगे पुश करने के लिए हेल्प करता है, आगे पुश करने के लिए हेल्प करता है। और आपको हमने पहले ही बता दिया है कि जो स्नेक है वह बहुत
सारे मैनी लूप्स से मिलकर के बना होता है। तो हर एक लूप्स जो है आगे की और फॉरवर्ड करते हैं या पुश करने की कोशिश करते हैं बॉडी को स्नेक के। दैट्स द रीज़न, क्या है दैट्स द रीज़न वूप्स गेट पुशेज द स्नेक मूव फॉरवर्ड वेरी फास्ट। वो वेरी फास्ट आगे की ओर मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, मूव करते हैं कौन लूप्स, तो लूप्स आगे की ओर करते हैं और जो स्नेक है वह बहुत फास्ट क्या पता है चल पाता है, आगे मूवमेंट कर पाता है, बट नॉट अ स्ट्रेट लाइन, पर सीधी रेखा पर कभी नहीं, नॉट अ स्ट्रेट लाइन, वह टेढ़ी मेढ़ी चाल चलता है कौन स्नेक। तो ये स्नेक के बारे में था। क्या है बैकबोन प्रेजेंट रहती है, बैकबोन के साथ में बहुत सारे मसल्स जो हैं कनेक्टेड रहते हैं, हर एक मसल्स से कनेक्टेड रहते हैं, इंटरकनेक्टेड रहता है बैकबोन के से रिब से और स्किन से, वो बहुत सारे लूप से मिलकर के जो स्नेक का बॉडी है वह बना रहता है और हर एक लूप्स का इम्पोर्टेंट रोल है बॉडी को फॉरवर्ड करने में स्नेक के, बॉडी को मूवमेंट करने में स्नेक के हर एक लूप्स का। तो हर एक लूप्स क्या करते हैं आगे पुट्स टूवर्ड्स करते हैं, आगे ढकेलने की कोशिश करते हैं, तो ये पूरी तरीके से आगे पुशअप की वजह से यह स्नेक जो है फॉरवर्ड हो पाता है, पुशेस फॉरवर्ड हो पाता है और वह वेरी फास्ट बहुत ही हाई स्पीड से आगे मूवमेंट कर पाता है, लेकिन वह नॉट अ स्ट्रेट लाइन, पर एक सीधी रेखा पर मूवमेंट नहीं कर पाता। तो आज हमने जो बॉडी मूवमेंट थे उसके सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए। आई होप कि आपको इससे संबंधित चीज़ें समझ में आई होंगी और आप जो है क्वेश्चन आंसर प्लीज़ साइंस के नोट में कंप्लीट करें और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी बार बार दो से तीन बार आप दोहराएं, इससे आप एग्जामिनेशन के लिए सेल्फ प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9। तो मिलते हैं, थैंक यू सो मच।